तो देखो ये अभी मजरे में गया था, अभी काम वाम करके सुबह सुबह फिर। अगर किसी को सजा देनी है ना, कुछ नहीं करो, मजरे में भेज दो सऊदी अरेबिया के, चप्पल ले लो, बोलो जाओ तुम, छोड़ दो। यकीन बताता हूँ भाई, एक सिकंड नहीं चल पाएगा कहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, लाल हो रहा है, ये सिर्फ मेरे लिए लेके आके रखा है, आज 2-3 दिन से लेके आके रखा था। देखिए खूब ठंडी ठंडी है। वाह ओ तेरी तो, ये तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है यार। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आज मुझे ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह हो गई है, अभी ये जस्ट अभी यही सो के उठे हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो मैं उठ के बस ऐसे ही बैठा हूँ, है ना, और हवा बहुत तेज चल रही है। और रात में हम लोग देखो कहाँ सोए थे, ये देख लो, अभी इधर ही बैठा हूँ, इधर ही हम लोग, ये कारपेट था ना, ये कारपेट को बिछा दिया इधर ही, और मस्त इधर ही कम्बल लगा के, ये आसना कम्बल ओढ़ के सोया था। देखो इतनी मतलब सुबह गर्मी हो रही थी, गर्म नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी उसको आदत है कंबल ओढ़ के सोने की, तो वो कंबल ओढ़ के सोया, मैं बगैर कंबल के ही सोया, इधर ही सो गया था। और चाचू जो थे, चाचू वहाँ पे सोए थे, चाचू वहाँ पे वो बेड पे सोए थे, जो कि अंदर सोने की पूरी जगह है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं बोला कि नहीं, मैं बाहर सोऊंगा। क्यों? ये जो बाहर की जो हवा है ना, ये बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों आज आप लोग को ना मैं खाऊंगा, अभी सुबह ब्लॉग में स्टार्ट किया हूँ, सुबह सुबह का खाऊंगा पूरा शाम तक, मतलब मैं क्या क्या करता हूँ इसके साथ और मजरे में पूरा क्या क्या जो भी कुछ है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा आप लोग को। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। सो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इधर ही सोए थे, अच्छा खासा ये कारपेट था ना, कारपेट पहले इससे पहले आए थे तो वहाँ पे लगाए थे, तो असनक कपिल आया था तो बोला कि नहीं इसको खोलो इसको लगाओ, तो हम लोग वहाँ पे लगा के सोए थे। तो ये हुआ कि नहीं इस दफ़ा हम लोग इधर सोएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना ये साफ साफ था, क्योंकि रात का टाइम था, तो ये हुआ कि कहीं कीड़ा बिच्छू नहीं आए, और गाड़ी में उधर ही खड़ा कर दिया था। और यार इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है यार, मैं क्या बताऊँ। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला देख रहा है, ये वाला अचना इधर ही सोया था, ठीक है, उसके बाद ये उड़ के आके ऐसे गिर गया, तो मेरा नींद खुला, तो क्या हुआ, चलो ठीक है, जल्दी से उठा के फिर उसको उधर किया। और वो तो सो रहा था, तो सुबह मेरे को बता रहा था, बोलता है कि मैं देखा था, मेरे को पता था, मैं जान रहा था सब कुछ। और फ्रेंड्स अभी सामान वामान है अभिषेक का, जैसे कि जो भी सामान मैं लेके आया हूँ, और जैसे कि उसका सामान है, कुकर है, मोबाइल है, ये सब तो मैं लेके आ गया हूँ, आप लोग को पता है ये उसका है, तो भाई तो वो तो लेके आना बनता ही था ना। और मैं अपनी तरफ से बहुत सारा सामान लेके आया हूँ गिफ्ट आसना के लिए, और दो चीज़ उसमें से मैं मिस कर दिया हूँ, दो चीज़ दिमाग पे नहीं आई थी, वो नहीं ले पाया हूँ मैं, तो बताऊंगा अभी जब आसना जब रिव्यू करेगा ना, तो दिखाएंगे और बताएंगे भी आप लोग को। और फ्रेंड्स देखिए ये दूध, रात में हम लोग चढ़ा के सो गए थे, फिर उसके बाद देखिए अभी धीरे धीरे, ये देखिए फ्रेंड्स लाल हो रहा है, इसको हम लोग खोआ बना रहे हैं ना, तो देखिए धीरे 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 ये हो रहा है, अपने रंग पे आ रहा है। और इसको ना फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स ना हम लोग को ना उसके कपिल के आने से पहले पहले इसको सब कुछ बना के ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, वो कपिल जो देखेगा ना, तो बाद में बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए होगा ना कि मैं इतना सारा दूध तू ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा कर रहा है, यानी बहुत मुश्किल कर देगा आसना के लिए। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा फ्रिज में क्या क्या रखा है अभी इस टाइम आसना के। अभी देखिए ये तीन तोड़ के मेरे लिए रख दिया था अंजीर, ये सिर्फ मेरे लिए लेके आके रखा है, आज 2-3 दिन से लेके आके रखा था। देखिए खूब ठंडी ठंडी है, वाह बहुत मस्त है। तो अभी यहाँ तक कि यार फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताते चलता हूँ, यहाँ तक कि मैं अभी तक ना ब्रश मंजन भी नहीं किया हूँ, ठीक है। तो चाचू थे, चाचू गए हैं वहाँ पे टॉयलेट में, तो अभी वो आते हैं तो फिर मैं जाता हूँ, उसके बाद फिर फ्री होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो मैं सोचा यार क्यों नहीं मैं थोड़ा आप लोग से ही बात कर लूँ, है ना भाई। तो और उसके बाद रात में मैं ठंडा ले लिया था, एक बड़ा वाला है, और ये लेबन है, लेबन बचा हुआ है, और छोटा वाला है, और तीन इसमें रखा है। और दोस्तों ये है पूरा मटन वटन रखा है, ये सिर्फ हमारे लिए, इसमें भी वही सब रखा हुआ है, और दूध हो रहा है। तो देखिए ये कुछ इस टाइम इसका रूम बना हुआ है, मोबाइल उसको दे दिया था, मोबाइल से तो एकदम बिल्कुल खुश है। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं थोड़ा सा बाहर लेके चलता हूँ, कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि उसको दिखाने के लिए, थोड़ा सा इसका रूम ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा रूम ना इसका मैं पीछे से आगे पीछे से दोस्तों दिखाऊंगा। और रात में तो हम लोग आ गए थे, अच्छे टाइम से मैं आ गया था। अच्छा एक चीज़ और है, रात में जब मैं आया हूँ ना, जैसे ही मेरी गाड़ी गांव में इंटर की है ना वहाँ पे, वैसे ही क्यों, क्योंकि देखो ये जो असना का जो कपिल है ना,
ये सब उसके चाचा बाबा भाई बहन सब पूरे ये फैले हुए हैं। अब जैसा फ्रेंड्स देख सकते हैं, वो वाला जो घर दिख रहा है ना, वो इनके बेटे का घर है, और ये वाला घर इनकी बेटी का घर है, और ये वाला उनके भाई का घर है, और जो जिसमें अनिल चाचा रहते हैं वो भी शायद उनके भाई का है, वो सामने वाला उधर वाला। और ये वाला जो है ना, यहाँ से ये पूरा जितना है ना है गांव, इसमें इनकी मतलब जो इनके जो कपिल है ना, इनके ससुराल है, इनका इनका गांव इधर है कपिल का, लेकिन ये उनकी ससुराल उधर है। तो हम लोग जैसे ही इंटर हुए हैं वो गांव में, आया हूँ आके गाड़ी खड़ी किया, दो मिनट भी नहीं हुआ है, एक गाड़ी में कम से कम 5 आदमी आए हैं, इतनी जल्दी आए हम लोग। मैं बाहर इधर ही निकल खड़ा था, हम दोनों खड़े थे और जा रहे थे सामान वामान निकालने के लिए, सलाम वलाम किए, हाय सलाम वलाम किए। तो आज गाड़ी यहाँ पे लेके आके खड़ी किए थे, यहाँ पे देखिए ना टायर का निशान लगा हुआ है इधर। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि ये गाड़ी किसका है, कौन आया? तो ये हुआ कि भाई मैं आया हूँ। तो बोलता कहाँ से आया? बोला रियाज से। तो बोलता है कि अच्छा। और फिर असना को बुलाया कि असना क्या हुआ ये, मतलब कौन है? तो असना बताया कि भाई मेरा सदीक है। बोलता बाबा को मालूम है? तो असना बोलता है हाँ, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ ना तो असना को बोल देता हूँ कि मतलब आप अपने कपिल को बता दो मैं आ रहा हूँ। तो वो बता दिए थे। तो बोलता अच्छा ठीक है, लेकिन इतना लेट क्यों आया? बोलो बस मैं लेट निकला ही हूँ तो लेट आया हूँ। तो बोलता अच्छा ठीक है यार। ये लोग ना एकदम मतलब कि शक खा गए थे, बहुत डर गए थे हम लोग यार, क्योंकि ये लोग 4-5 आदमी रात में गाड़ी में भर के आए, अब हम लोग को पता ही नहीं एक बार भाई क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कुछ वैसा तो नहीं हो गया। बहरहाल चलो फिर उसके बाद वो लोग चले गए। और देखिए ये अभी सुबह सुबह आ रहा है मजरे से। तो देखो ये अभी मजरे में गया था, अभी काम वाम करके सुबह सुबह बिल्कुल क्या क्या काम किया पता है? मैं देखा हूँ, मैं उठ के बैठा था वहाँ से उठ के बैठ के मैं देख रहा था, पूरी बकरी उकरी थी, सबको खोल वोल के बाहर किया, सब बकरी उकरी उधर गई है, और चाचू गए हैं उधर टॉयलेट में, वो आ रहे हैं। और अभिषेक ये देखो जूता देखो इसका पूरा ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, रात में हम लोग ना एकदम मतलब वो हो गए थे, डर गए थे कि यार ये क्या हुआ। उसके बाद फिर एक उसका दामाद था उसमें, वो कितने बजे सोए पता है आपको? हम लोग सोए हैं 2 बजे, 2 बजे रात में सोए हैं, और सोचो 5 बजे असना का सुबह उठ के मजरे में काम करना था। आप लोग को मैं थोड़ा सा अभी कूलर भी दिखाता हूँ, कूलर का बेल्ट भी चेंज कर दिया था, इससे पहले मैं आया था तो पूरा ख़राब था, तो कूलर का बेल्ट चेंज कर दिया, अभी कूलर का आवाज़ ही नहीं आता है बिल्कुल। ये देखिए कूलर चल रहा है, कूलर का आवाज़ ही नहीं आता है। तो अभी ये कूलर ना बहुत अच्छे से चल रहा है, और ये असना का रूम है बैक साइड से कुछ। और रात में मैं जब आ रहा था ना, वो देखिए मैं आप लोग को फ्रेंड्स मैं आप लोग को मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, और सामने जो गाड़ी खड़ी है ना फ्रेंड्स, और सामने देख रहे हैं वो पिकअप टाइप की गाड़ी है, डर गए थे यार हम लोग, बोले अरे यार ये क्या है। और फ्रेंड्स आप लोग को बताते चलता हूँ, चाचू आ रहे थे, चाचू बोलते हैं कि यार ये मतलब बहुत ही हिम्मती वाला आदमी है कि इतनी मतलब इतनी दूर इतनी सुनसान जगह में रहता है, वो तो काफ़ी परेशान है। वो तो बोल रहे हैं मेरे को अगर इधर रहना हो ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। और आप लोग को मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखिए वो वहाँ पे ना घूम रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर, ये देख लीजिए ये घूमते हुए आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग को मैं दिखाता चलता हूँ, देखिए असना एक यहाँ पे ना सहजन का भी पेड़ लगाया हुआ है, ये रूम के पास लगाया है, ये बहुत सही काम किया है। जब भी खाने का मन करे रूम से बाहर निकले, इसको निकाले तोड़े और लेके जाके अपना बना के सब्जी बेहतरीन खा सकता है, तो बहुत अच्छा काम किया है कि हाँ रूम लगा दिया है। और दो लगाया था मेरे ख्याल से, एक और इधर, लेकिन वो वाला ख़राब हो गया, वो वाला ना वो सामने देखिए ये वाला वो जर गया। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जब पानी आता है कुआँ, इससे पहले मैं आया था तो कोशिश दिखाने की लेकिन दिखा नहीं पाया था, तो अभी इस टाइम मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की आप लोग को। ये देखिए ये कुआँ है ना फ्रेंड्स, ओ तेरी तो ये तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है यार फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही नीचे तक गया है, ओ माय गॉड। और ये फ्रेंड्स ना नीचे कुछ दिखता ही नहीं है यार फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कुछ दिखता ही नहीं भाई, बहुत ही अंदर तक है यार, देख के मेरे को डर लगने लगी है। अगर रात में अगर कोई बंदा अगर आता है ना यहाँ पे, तो जैसे ये जाली है ना, अगर ये जाली अगर ख़राब हो या मान लो अगर कमज़ोर अगर है ना, कमज़ोर तो है ही है भाई, तो इस पर अगर कोई पाँव रखेगा ना सीधा नीचे जाएगा भाई।
और ये पहले यहाँ पे ये ट्यूबल टाइप का पहले ये लोग बैठाए थे, लेकिन ट्यूबल हटा दिए, जैसे अपने यहाँ होता है समर पंप लगाए हैं, है ना, समर पंप अभी ये लोग लगाते हैं, समर पंप लगाए हैं। और देखिए यहाँ पे डेट बनी है, डेट लिखी हुई है, ये कितना है डेट मेरी समझ में नहीं आ पा रही है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये है कुआं, आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ, दो दफ़ा आया, आप लोग को नहीं दिखा पाया था अपने ब्लॉग में, ये ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखा दिया हूँ। और एक वहाँ पे भी है, वो छोटा सा है, एक वहाँ पे भी है। तो इसमें से पानी ना निकलता है, पानी निकलता है वो वाला बड़ा वाली टंकी में जाता है, बड़ा वाली टंकी से निकल के पानी फिर ये छोटा वाला टंकी में आता है, छोटा वाला से पूरा सप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स अभी चाचू गए थे टॉयलेट में, वहाँ वो फ्री होके आ गए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ टॉयलेट में और आप लोग को भी दिखाता हूँ। एक चीज़ का यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सुविधा है कि आसना का जो यहाँ पे ना, क्योंकि इसका टॉयलेट वॉयलेट तो है नहीं, इसके रूम के पास कोई टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो जाना होता है कपिल के वहाँ। और ये कपिल उसका बोल रहा था ना कि मतलब कि टॉयलेट नहीं है तो तुम थोड़ा बाहर निपट लो, ऐसे करके बोल रहा था। तो आसना थोड़ा सा गुस्सा गुस्सी किया, तो बोलता है कि ठीक है मेरा मतलब मेरा टॉयलेट यूज़ करो। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा काम किया है ये जब आया था तब, मेरे ख्याल से पता नहीं इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि नहीं, कोई ब्लॉग में बताया है कि नहीं आप लोग को, ये तो मुझे नहीं पता है। और मैं जा रहा हूँ अभी टॉयलेट में और आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल, उसका आसना का कपिल भी अभी फ़ोन किया था कि हाँ दूध दूध है कि नहीं, तो ये हुआ कि दूध है, बोलता है ठीक है सदीक आ गया, ठीक ठाक कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ, ये हुआ कि चलो ठीक है आ जाओ। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग में आप लोग को मैं बताते चलता हूँ, काफ़ी अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है। आसना को गाड़ी सिखाएंगे उसका ब्लॉग आएगा, और आसना का मजरा है थोड़ा सा और दिखाए खाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से सब कुछ बताएंगे ए टू जेड, ठीक है, उसका भी ब्लॉग आने वाला है। चाचा का मजरा भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, मामा का भी मजरा दिखाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या था ना, इनका कपिल ना, हम लोग सोचे थे कि कपिल इनका नहीं रहेगा तो आराम से एक दिन हम लोग आज़ाद रहेंगे, वीडियो शूडियो घूम घूम के बना लेंगे, लेकिन कपिल ना बहुत ही मतलब गलत गलत पूरा हो गया सिस्टम हम लोग का, तो आज आ रहा है तो बात वत करेंगे, देखो जाने देता है कि नहीं। और मैं आज सोचा था कि इसको आसना को लेके चल के ना जाना है, हम लोग खाने के लिए जाएंगे अलबैक, तो यहाँ दो आदमी में है अलबैक, तो वहाँ जाएंगे। और मेरे चाचू आए हैं सऊदी अरबिया में, आज तकरीबन 4-6 महीना हो गया है, वो भी अभी तक अलबैक नहीं खाया, बोलते हैं कल रात भी मेरे से बोल रहे थे, बहुत ही नाम सुना हूँ मैं अलबैक का, तो मैं बोला ठीक है मुश्किल नहीं है, नाम सुने हो नो प्रॉब्लम, चलो अच्छा हुआ, चलो तुमको भी खिलाएंगे और आसना को भी खिलाएंगे। तो देखो बुढ़ा जाने देता है कि नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रही है, आने आता है तो उससे बात करेंगे भाई, 1 घंटा लगेगा जाने में, 1 घंटा लगेगा आने में, 2 घंटा लगेगा, और काम भी इसको बहुत है, देखते हैं क्या होता है। ये है टॉयलेट और ये उनका पूरा घर है इनके कपिल का। एक चीज़ मैं फ्रेंड्स बताते चलता हूँ, दिखाते चलता हूँ इसी ब्लॉग में, ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये जितना हरा हरा है ना ये उतना ही खतरनाक है, और सूखने के बाद और खतरनाक हो जा रहा है, ये देख रहे कितना है। अगर किसी को सजा देनी है, अगर किसी को सजा देनी है ना, कुछ नहीं करो, मजरे में भेज दो सऊदी अरेबिया के, चप्पल ले लो, बोलो जाओ तुम छोड़ दो, यकीन बताता हूँ भाई 1 सेकंड नहीं चल पाएगा, कहीं रुक जाएगा, क्योंकि देखिए ये पूरे मजरे में, यहाँ से लेके पूरे टोटल मजरे में यही आपको मिलेगा, इस पर पाँव रखेगा ना छेद हो जाएगा भाई, इतना खतरनाक ये धंसता है, देखिए कितना है। वो तो अच्छा हुआ कि चप्पल हम लोग बहुत हैवी भी पहने हैं। तो फ्रेंड्स यही है टॉयलेट, आप लोग को मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं ये पूरा चप्पल में लगा हुआ है, ये देखिए इधर इतना ओवर खतरनाक ही होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए टॉयलेट, तो टॉयलेट में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आके नहा सकता है, इधर हाथ भी धो सकता है, रूम से वो निकलता है सीधा वहाँ से आ जाता है इधर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।